गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव डिस्कस द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6, सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंस इज ए मैटर विच हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशंस एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस क्या होता है कि जिसकी स्पेशल कंपोजिशन होती है और स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस, प्योर एंड इम्प्योर और मिक्सचर्स। सब्सटेंसेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको मिक्सचर भी बोल देते हैं। सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो आगे सब डिवाइडेड होते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स के अंदर, और इम्प्योर जो मिक्सचर होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर होते हैं, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ए सिंगल सब्सटेंस ऑफ द डेफिनेट कंपोजिशंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जिसमें सिंगल कंपोजिशंस होते हैं, जैसे प्योर गोल्ड या प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन, ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंस इन विच सम इम्प्योरिटीज़ आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। जिसमें एक सब्सटेंस के अलावा दूसरा भी सब्सटेंस मिला होता है उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। इम्प्योर का मीनिंग यहाँ पर अशुद्ध नहीं होता, इम्प्योर का मतलब यहाँ पर होता है कि दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होते हैं उसमें सब्सटेंसेस के। इट कंटेन द पार्टिकल्स ऑफ द टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ द सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिक्सचर। इसको मिक्सचर भी बोल देते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज मिले होते हैं। दस अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेज दैट मिक्स टुगेदर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के भी वो आपस में मिले होते हैं, उनको मिक्सचर बोल देते हैं। द वेरियस सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो वेरियस सब्सटेंसेज प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर उसको हम बोल देते हैं कंपोनेंट्स। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है मिक्सचर्स की, दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मे बी इन एनी रेशोज, वो किसी भी रेशो में हो सकता है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड, कंपोनेंट्स को हम सिंपल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द मिक्सचर यूज इन द डेली लाइफ, कुछ मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के, जैसे ए ग्लास ऑफ द नींबू पानी इज़ ए मिक्सचर ऑफ द वाटर, शुगर, साल्ट एंड लेमन जूसेस। इसके जो नींबू पानी होता है उसके अंदर वाटर होता है, शुगर होती है, साल्ट होता है, लेमन का जो लेमन जूसेस होता है वो भी एक मिक्सचर बन जाते हैं इन सभी को मिलाने से। अब मिल्क इज़ ए मिक्सचर ऑफ द वाटर, क्रीम एंड प्रोटीन्स। जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, देखो वाटर होता है, क्रीम्स होती है और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो ये भी तीन चीज़ों का मिक्सचर हो गया मिल्क। ऐसे ही हमारे पास स्नैक्स में जैसे सी वाटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ द वाटर, लार्ज नंबर ऑफ द साल्ट। सी वाटर जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है, लार्ज नंबर ऑफ द साल्ट मेटल्स होती है, साल्ट्स ऑफ द मेटल्स के होते हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ, जो हवा होती है उसमें किस किस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है, वाटर वेपर्स होते हैं, ये भी मिक्सचर हो गया। वुड इज़ ए मेड अप ऑफ द वाटर, साल्ट एंड सेलुलोज। जो वुड होती है वो भी हमारी वाटर्स की बनी होती है, साल्ट्स की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ऐसे रॉक साल्ट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द कॉमन साल्ट एंड फाइन सैंड। ऐसे कप ऑफ टी कंटेन द, जो एक चाय का कप होता है उसमें क्या क्या होता है, देखो वाटर, शुगर, मिल्क, एक्सट्रैक्ट ऑफ द टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है वो होती है, ये भी देखो तीन चार चीज़ों का मिक्सचर होता है। ऐसे स्मोक इज़ ए मिक्सचर ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स एंड एयर, जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है वो कार्बन पार्टिकल्स का होता है और एयर का मिक्सचर होता है। ऐसे विनेगर होता है इज़ ए मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द एसिटिक एसिड, उसमें भी वाटर होता है और एसिटिक एसिड होता है। ये सभी एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, ये मिक्सचर के एग्जांपल थे जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए थे। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर्स। क्लासिफिकेशन अभी हमने किया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन ईजिली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसमें हम उनको आसानी से देख पाते हैं, जैसे हीप ऑफ द व्हीट कंटेनिंग द स्मॉल स्टोन या हास के अदर ग्रेन्स। जैसे हमारे पास गेहूं की ढेरी होती है उसमें कोई पत्थर है, कंकड़ है या कोई छिलका वगैरह है, तो उसको हम आसानी से देख पाते हैं। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के अंदर हम आसानी से नहीं देख पाते जो चीज़ मिली होती है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड साल्ट इन द वाटर। जैसे शुगर का सॉल्यूशन और साल्ट का सॉल्यूशन, हम नमकीन पानी होता है, मीठा पानी होता है, उसमें नमकीन या शुगर के पार्टिकल्स को हम घुले हुए को नहीं देख पाते। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर था। ओके, थैंक यू।